ओके, तो भाई आज का जो स्मैकडाउन था पूरे मतलब 2024 का सबसे बेस्ट स्मैकडाउन में से एक था। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सोलो सिकोवा, रोमन रेंस, सीएम पंक, पॉल हेवन के बारे में बहुत सारे बातें करने वाले हैं। आपको भाई डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आने वाला। आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीएम पंक से। तो भाई सीएम पंक स्मैकडाउन के ऊपर आए थे, वो मेडिकली क्लियर हुए या फिर नहीं क्लियर हुए सीएम पंक ने बताया ही नहीं। उससे पहले हमें पॉल हेवन और सीएम पंक का हमें आइकोनिक हमें सेगमेंट देखने को मिल गया। और ये मैं आपसे चौथी बार बोल रहा हूँ, ये जो गला लगने वाला जो सेगमेंट था ना भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बेस्ट मूवमेंट से एक मूवमेंट था। वैसे इसी सेगमेंट से बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल आए थे, सबसे पहले उसको हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात भाई, अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि क्या पॉल हेवन और सीएम पंक एक साथ हो सकते, तो भाई करेंट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप बिलीव करो पॉल हेवन और सीएम पंक हमें फिर से एक साथ देखने को मिलेंगे, पर भाई मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद देखने को मिलेंगे। स्मैकडाउन के ऊपर जो भी हमें पॉल हेवन और सीएम पंक के बीच में जो सेगमेंट देखने को मिला, इस सेगमेंट का ज्यादा कुछ मतलब रिलेट करने वाला चीज था नहीं। डब्ल्यूई वाले इस सेगमेंट को एक आइकॉनिक सेगमेंट बनाना चाहते थे, इसलिए इस वाले सेगमेंट को डाली थी। बाकी एक चीज भाई बिल्कुल क्लियर हो चुका, हमें सोलो सिकोवा का हमें सिंगल रिवलरी हमें सीएम पंक के साथ देखने को मिलेगा। अभी तक तो भाई हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें शायद से रोमन रेंस का रिवलरी हमें सीएम पंक के साथ देखने को मिल सकता है, पर हाँ फिलहाल के लिए भाई उससे पहले आपको सोलो सिकोवा का रिवलरी आपको सीएम पंक के साथ देखने को मिलेगा। दूसरी बात भाई, सोलो सिकोवा को डब्ल्यू वाले जो आज के स्मैकडाउन के ऊपर जो बुक की भाई, ये चीज बिल्कुल क्लियर है भाई, सोलो सिकोवा डब्ल्यूई कंपनी के हेड बनने वाले। आप लोग खुद सोचो भाई एक मिनट, सोलो सिकोवा के सेगमेंट में सीएम पंक आ रहे हैं, कोडी रोड्स आ रहे हैं, रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं, केविन ओवेंस आ रहे हैं, ये सारे रेसलर सोलो सिकोवा को मार नहीं रहे, सोलो सिकोवा से मार खा रहे हैं। ऊपर से सोलो सिकोवा अपना एक पूरा टीम खड़ा किए हुए, सोलो सिकोवा रोमन रेंस के अगेंस्ट है, पॉल हेवन के अगेंस्ट। ये जो बंदा है भाई, जिस तरीके से डब्ल्यू वाले इनको पुश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंस से भी आगे निकल जाएगा। आपको नहीं बिलीव हो रहा है, पर भाई मेरे ख्याल से ट्रिपल एच 100% इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ड्रू मैकइंटायर के बारे में बात करें, तो भाई ड्रू मैकइंटायर का आज का दिन हमें एक आइकॉनिक हमें सेगमेंट देखने को मिला। बहुत दिन से ड्रू मैकइंटायर को सीएम पंक परेशान कर रहे थे, पर भाई फाइनली मतलब ड्रू मैकइंटायर ने भी परेशान कर दिया सीएम पंक। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई शायद से मनी इन द बैंक के अंदर हमें ड्रू मैकइंटायर देखने को मिलेंगे, पर भाई स्मैकडाउन के ऊपर ही हुआ। रियली में भाई जो भी चीज हुआ है मेरे ख्याल से काफी अच्छा चीज हुआ, इससे मतलब दोनों का इक्वल साइड हो चुका है। सीएम पंक को जितना अटैक करना था सीएम पंक भी कर चुके हैं, ड्रू मैकइंटायर भी कर चुके हैं। इनका जो स्टोरी लाइन है भाई, मतलब वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दूसरी चीज भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि सीएम पंक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्मैकडाउन के ऊपर ही कमेंट्री टीम की तरफ से हमें ये सुनने को मिला था कि एक दिन के अंदर सीएम पंक मतलब छूट जाएंगे हॉस्पिटल से, तो बहुत ज्यादा सीएम पंक को टाइम नहीं लगने वाला है, शायद से मतलब भाई स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम लग जाए। हाँ ये चीज भाई जो भी हो भाई एक बेहतर चीज हो, मेरे ख्याल से भाई सीएम पंक आपको कोई भी मैच देखने को नहीं मिलेगा मनी इन द बैंक के अंदर। अब आपको सीधे समर स्लैम का इंतजार करना होगा सीएम पंक का दूसरा मैच देखने के लिए, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच। सीएम पंक शायद से जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आए, मेरे ख्याल से भाई मतलब वो एक ही मैच के अंदर करेंट में रेसल किए। वैसे भाई नेक्स्ट अगर हम लोग ब्लड लाइन के बारे में बात करें, तो भाई इनका स्टोरी लाइन अब मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला। आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें क्या देखने को मिला, सोलो सिकोवा भाई 400 लोगों के साथ अपना एक फ्रैक्शन बना चुके हैं। और भाई अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ब्लड लाइन के एंडिंग है, तो भाई ऐसा एंडिंग कुछ भी नहीं, अभी और भी बहुत सारे रेसलर अभी आने वाले। जस्ट मैं आपको अभी का न्यूज दिखाता हूँ, ये देखो भाई जिला फाटू ने क्या मैसेज दिया है, सी यू सून। इसका मतलब क्या है कि भाई जिला फाटू 100% कंफर्म है, बहुत ही जल्द हमें ब्लड लाइन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। वो कौन से ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हैं भाई, ये अभी करंट में कोई भी फिक्स नहीं है। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, ट्रिपल एच भाई करंट में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इस स्टोरी लाइन के ऊपर, भाई ट्रिपल एच को पता है उतना मिल जाएगा। आप लोग खुद समझो, सिर्फ एक स्टोरी लाइन को बनाने के लिए डब्ल्यूई वालों ने मतलब 4-5 नए रेसलर को साइन कर लिया। अगर हम लोग जिला फाटू का बात करें, जेका फाटू का बात करें, टामा टोंगा का बात करें, टांगा लोहा का बात करें, सारे लोग तो भाई 10 साल से रेसलिंग करे, पर भाई डब्ल्यू वाले ने इनको नहीं साइन किया, अभी करंट में इनको साइन किया। भाई इनका विजन बहुत ज्यादा लंबा है, ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक घसीटने वाले हैं। अभी करंट में करीब 4 साल हो चुका है ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन को, मेरे ख्याल से भाई 6-7 साल अभी ये चलने वाला है। ऑलरेडी अगर आपको याद होगा, तो काफी टाइम पहले पॉल हेवन ने भी इस बात को बोला था कि अभी एक लेयर भी ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन का नहीं खत्म हुआ, तो अभी आराम से भाई ये 7-8 साल चलने वाला डब्ल्यू वाले भाई, इसीलिए इतने सारे रेसलर को साइन कर रहे, इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे स्टोरी लाइन के ऊपर। भाई मैं आपको फिर से एक चीज कंफर्म कर देता हूँ भाई, करंट में जेका फाटू का रिटर्न हो चुका, अभी जिला फाटू का रिटर्न अभी होना बाकी, साथ ही साथ भाई एक और रेसलर भी हिक्यूलियो का भी रिटर्न होना बाकी, जो कि मेरे ख्याल से समर स्लैम से पहले या फिर समर स्लैम तक हो जाएगा। अभी ब्लड लाइन के अंदर भाई बेसिकली अभी 2 लोग अभी और एड होने वाले। एक चीज और भाई, जितने भी लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि भाई सारे लोग सोलो सिकोवा के साइड जाने वाले, कुछ लोग आ सकते हैं रोमन रेंस के साइड। लोग इस फोटो को ध्यान से देखो भाई, ये जो फोटो है ये ब्लड लाइन का 2020 का फोटो। इस फोटो के अंदर भाई करंट में जितने भी लोग है, ये सारे लोग आपको फिर से देखने को मिलने वाले 100% फिर से। उसके बावजूद भी भाई इन लोग 3 ही लोग होते हैं, रोमन रेंस हो गए, जेओस हो गए, जिमी उसो हो गए। अगर हम लोग सोलो सिकोवा का बात करें, तो अभी से इनके टीम के अंदर 4 लोग है, मतलब भाई 2 जो लोग आने वाले शायद से रोमन रेंस के टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर भाई शायद से सैमी ज़ेन आकर रोमन रेंस को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। डब्ल्यू वाले भाई इक्वल का मामला रखेगी यहाँ पर। एक चीज और भाई, पहले मुझे क्या लग रहा था कि जब रोमन रेंस जब वापस आएंगे, तो भाई मेरे ख्याल से सोलो सिकोवा के साइड पॉल हेवन होने वाला। भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर भाई ये चीज कंफर्म हो चुका है कि भाई पॉल हेवन का भाई बेबी फेस टर्न हो चुका है। लिटरली भाई पॉल हेवन रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे गद्दार बंदा, सबसे बड़ा हील कैरेक्टर बंदा, सबसे बड़ा कमीना बंदा, और इसका भाई फाइनली मतलब ट्रिपल एच ने भाई इसका बेबी फेस टर्न करवा दिया। पॉल हेवन बेबी फेस रेसलर बन चुका है, आप लोग कंफर्म मानो। जहां तक भाई मेरा ख्याल है भाई, ये
करेंट टाइम में रोमन रेंस के साइड ही रहने वाला, बाद में हिल्टन कर जाए नहीं पता है। तो आपको 2020 वाला भाई आपको ब्लड लाइन फिर से देखने को मिलेगा, ये चीज आप लोग मतलब कंफर्म मान लो। दूसरी चीज भाई, मुझे पहले ये लग रहा था कि भाई रोमन रेंस का रिटर्न हमें शायद समर स्लैम के अंदर देखने को मिले, उससे पहले हमें ना देखने को मिले। आज जब सोलो सिकोवा ने भाई जो आतंक मचाया, ये चीज कंफर्म हो चुका कि रोमन रेंस अब बहुत जल्द रिटर्न करने वाले हैं। मनी इन द बैंक के अंदर या फिर मनी इन द बैंक के बाद या फिर मनी इन द बैंक के पहले भी रोमन रेंस रिटर्न कर सकते हैं। करेंट टाइम में एक चीज बहुत क्लियर हो चुका है कि आपको सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस का मैच आपको समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेगा, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। साथ ही साथ एक और चीज क्लियर हो चुका है, सिक्स मैन टैग टीम मैच आपको जो मनी इन द बैंक के अंदर देखने को मिलेगा, इस मैच के अंदर सोलो सिकोवा का टीम विन करने वाला है। क्योंकि भाई अभी सोलो सिकोवा को भाई डब्ल्यू वाले नेक्स्ट लेवल पे पुश कर रही है, मतलब आज के स्मैकडाउन के ऊपर आप लोगों ने देखा भाई सारे लोग आकर अटैक कर देते हैं सोलो सिकोवा को बचाने के लिए। हाँ भाई, रेसलमेनिया 40 के बाद भाई जो स्टोरी लाइन जो पेंडिंग पड़ गया था, अब फिर से स्टोरी लाइन स्टार्ट हो चुका है। और इस बड़े स्टोरी लाइन के अंदर कम से कम 10 ब्लड लाइन के मेंबर इन्वॉल्व है, रैंडी ऑर्टन इन्वॉल्व है, कोडी रोड्स इन्वॉल्व है, केविन ओवेंस इन्वॉल्व है, साथ ही साथ सीएम पंक, पॉल वेन, रोमन रेंस जैसे बहुत सारे रेसलर इस पूरे स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है। आपको मजा बहुत आने वाला है भाई, बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो। वैसे भाई आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो भाई बेशक आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों को मेरे से बात करने शाम को पर आ सकते हैं।